क्या आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हो और प्योर वेजिटेरियन इंडियन फूड खाना चाहते हो, या आप वर्किंग कपल हो और दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद आपका मन कर रहा है कि कुछ अलग सा खाएं जो फ्रेश हो और स्पेशल भी हो, या आप स्टूडेंट हो और अब्रॉड रहते हो और आपका मन करता है माँ के हाथ का खाना खाने का जो आप मिस करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप माँ के हाथ का खाना मिस कर रहे हो अब्रॉड में, ये चीज आपके लिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और बच्चे आपके साथ में और आपको रेस्टोरेंट का खाना नहीं ऑर्डर करना है उनके लिए, कुछ सिंपल खाना जो उनको अच्छा लगे, हेल्थ वाइज भी अच्छा हो, तो ये चीज आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। हर कोई शेफ बन सकता है क्योंकि फ्रो फूड्स लाए हैं रेडी टू ईट फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट्स, और ये जो प्रोडक्ट्स है ना बहुत ही आसान है बनाने में। सिर्फ आपको गर्म पानी ऐड करना है और अमेजिंग सब्जियां जो हेल्दी है, हाइजीनिकली बनी है, जिनमें बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी नहीं है। एंड आपको इसका प्रोसेस बताने वाली हूँ, कितना इजीली आप बना सकते हो। आप कहीं बाहर जा रहे हो या घर पे हो, कभी भी इसे खा सकते हो। चलिए लेट्स बिगिन। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रो फूड्स के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, छोले, राजमा, पाव भाजी, पनीर, बटर मसाला, दाल मखनी एंड जीरा राइस भी। बट मैं जो सबसे पहले ट्राई करने वाली हूँ ना आपको दिखाने के लिए, दैट इज दाल खिचड़ी। और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। सबसे पहले तो आप पैकेट देखोगे ना तो एकदम लाइट वेट है, नो आई थिंक अराउंड 70 ग्राम्स इसका वेट है। सो आप अगर कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो तो बहुत आराम से इसको कैरी करके लेके जा सकते हो। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे केटल ऑन कर दिया है ताकि वाटर बॉइल हो जाए, एंड ये मैं बाउल में डाल रही हूँ। सो अब ये जो बॉइलिंग वाटर है ये हमें इसमें ऐड करना है, और इसको आप इसे यूजुअली गैस स्टोव पे ना पैन में भी बना सकते हो, यू कैन ऑल्सो यूज अ माइक्रोवेव। सो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, बट पहले अब ये पानी बॉइल हो चुका है, मैं आपको ये मेथड दिखा रही हूँ। तो ये पानी का मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ कितना है। सो ये मैं ले रही हूँ रफली, आप समझ लीजिए 150 to 200 ml के बीच में। और इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ ना तो ये जो कप हम घर में डेली यूज करते हैं ये हम फिल कर रहे हैं। सो फुल कप नहीं, हमको फुल से थोड़ा सा कप कम भरना है। इस दाल खिचड़ी में देखिए इसे यूजुअली होता है ना, सारी चीजें दिखाई दे रही है, ग्रीन चिलीज है और ये राइस के ग्रेन्स, ऑफकोर्स कलर देख के आपको पता लग जाएगा कि दाल भी है। सो जैसे हम सब्जी बनाते हैं कोई भी, या दाल खिचड़ी का जो रेसिपी है वो प्रॉपरली फॉलो किया हुआ है, तो ये जो पानी है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एंड प्रॉपरली इसको अच्छे से मिक्स करना है। और क्वांटिटी आप देखोगे ना, सो एक पैकेट का जो क्वांटिटी है दैट इज सफिशियंट फॉर वन पर्सन। सेवेंटी ग्राम्स जो हमने ऐड किया था, तो अब ये बनने के बाद में इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 220 ग्राम्स। इसको प्रॉपरली मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा कम ज्यादा एक दो टीस्पून पानी आप बाद में उसको कंसिस्टेंसी के हिसाब से जो आपको चाहिए तो वो आप चेक कर सकते हो। मिक्स इट नाइसली, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पानी इसमें और चाहिए तो वो मैंने रोक के रखा था बाद में डालने के लिए, तो वो मैं डाल रही हूँ। सो आई थिंक अराउंड 1 cup ऑफ वाटर आपको इसमें डालना पड़ेगा। बहुत अच्छे से इसको स्टर कर लीजिए, एंड व्हेन एवरीथिंग इज मिक्स नाइसली आपको इसको कवर करना है। प्रॉपरली कवर करके इसको 7 to 8 minutes तक छोड़ देना है। तो आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी पतली कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप उस हिसाब से उसमें वाटर का जो प्रपोर्शन है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो इसमें 225 ml ऑफ वाटर गया है। अगर ये यूजुअली जो कप घर में होता है हम ऐसे मेजर करके देखें तो मेरे पाम तक का जो है ये फुल कप वाटर इसमें गया है दाल खिचड़ी में। और बाकी सारे पैक्स है सब पे एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको कितना पानी उसमें ऐड करना है, बट थोड़ा सा कम ज्यादा तो आप जब बनाओगे तब आपको वो चेक करना पड़ेगा। बट दिस लुक्स रियली ऑथेंटिक क्योंकि इसमें जो भी स्पाइसेस वगैरह डाले थे एंड ये कॉन्डिमेंट्स, ये चिल्ली वगैरह सारी कुछ मुझे दिख रही है। करी पत्ता भी दिखाई दे रहा है इसमें, हरा धनिया भी दिखाई दे रहा है,
राई एंड जीरा का तड़का डाला हुआ वो भी दिखाई दे रहा है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि अभी फ्रेश बन के आया है। तो चलो अब इसको टेस्ट करके भी देख लेते हैं कि कैसी है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस यू नो, बिकॉज देखने से जो इसका लुक है ना वाकई में ऐसा लग रहा है अभी फ्रेश बनकर आई है। एंड जैसे हम बनाते हैं ना घर पे सारी कुछ वैसे ही इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। दिस फ्रो फूड्स का दाल खिचड़ी जो फ्रीज ड्राइड है, अब फ्रीज ड्राइड क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सारे प्रोडक्ट्स उनके वैसे ही बने हैं और जैसे दाल खिचड़ी होती है ये वैसे मतलब बहुत ज्यादा स्पाइसी भी नहीं है, एकदम बैलेंस्ड है एंड टेस्ट इसका बहुत ही मतलब एकदम डिलीशियस बनी है। तो जो राइस के ग्रेन्स वगैरह है कहीं भी कच्चापन ऐसे मुझे फील नहीं हो रहा है, प्रॉपरली कुक्ड, न्यूट्रिशन इसका इंटैक्ट है, दिस मिनिमम लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्योंकि जो तरीका है इसको बनाने का उसकी वजह से। तो जब हम रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो मार्केट में तो बहुत सारे अवेलेबल है बट इसमें क्या डिफरेंट है क्योंकि इसका जो प्रोसेस है ना इसकी मेकिंग का दैट इज एंटायरली डिफरेंट। आप जो पैक्स लेते हो डिहाइड्रेशन से बनाए जाते हैं जो उसका मेथड होता है, बट यहाँ पे ये फ्रीज ड्राइड है और वो एग्जैक्टली क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो ये हमने एक सिंपल दाल खिचड़ी अभी ट्राई की है। सो और भी कुछ चीजें हैं जिनमें से मैं आपको ना कुछ अच्छा सा चटपटा बना के दिखाने वाली हूँ। सो अभी नेक्स्ट जो हम बनाने वाले हैं वो है फ्रो फूड्स का छोले विच इज अगेन फ्रीज ड्राइड, जैसे मैंने आपको पहले वाला पैक बताया था। इसमें भी बिल्कुल बाकी प्रोडक्ट्स की तरह आपको सिर्फ पैक ओपन करके बोल में डालना है। 200 ml के लगभग मैंने इसमें बॉइल्ड वाटर डाला है। सो अगेन आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड बिलीव मी बस इसको जैसे ही हॉट वाटर हमने ऐड किया इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है और छोले है ना मतलब ये बना भी नहीं है फिर भी वो एक एक जो छोले का जो दाना होता है ना वो पूरा इंटैक्ट दिख रहा है मुझे। सो लेट्स कवर इट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड वेट। सो देखने में काफी बढ़िया है और जैसे मैंने बोला एक एक ना छोले का जो दाना है वो अलग दिखाई दे रहा था और अभी भी दिखाई दे रहा है। एंड लेट मी चेक कि वेदर इट इज प्रॉपरली कुक्ड ऑर नो। This is unbelievable. So, इसमें गार्निश के लिए मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है एंड जस्ट सो लेट मी जस्ट टेस्ट इट। नो वन कुड से कि ये जो छोले बनाया ये एक ऐसे पैकेट से बनाया है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको ऐसे, एकदम वो फ्रेश वाली फीलिंग आ रही है बिकॉज दिस इज 100% नेचुरल, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं किए गए हैं। सो लाइक ऑन द गो आपको कभी कुछ जल्दी से बनाना है, आप बीमार हो तब भी कुछ बना नहीं सकते तो भी आप ये खा सकते हो। एंड बहुत सारे वेरिएंट्स इसमें आते हैं, पनीर बटर मसाला, पाव भाजी, राजमा, दाल मखनी, जीरा राइस भी आपको इसमें मिल जाता है। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो इसमें आपको ना टेक्सचर दिखाई दे रहा है जो अनियन होता है उसका हल्का सा टैंगीनेस, ऐसे छोले यूजुअली टैंगी अच्छे लगते हैं तो मतलब इट इज एज गुड एज जैसे फ्रेश हम खाना बना के खा रहे हैं, ये बिल्कुल वो ही है एंड हाइजीनिकली बना हुआ है। सो आप इसको कभी भी ट्राई कर सकते हो। जैसे एक ही घर में दो या तीन लोग रह रहे हैं सबकी चॉइसेस अलग अलग है तो एक पैक में आपको एक पर्सन के इतना क्वांटिटी मिल जाता है तो अपनी चॉइस के हिसाब से वो अलग अलग वेरिएंट्स भी आप बना सकते हो। एंड इसका जो बेस्ट यूज है जब आप इंटरनेशनल जाते हो, आप ट्रैवल करते हो या वहाँ पे स्टूडेंट हो, आपके बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए स्पेशली यू नो वो होम मेड इंडियन खाने वाली फीलिंग जो मिसिंग होती है वहाँ पे उस हिसाब से बहुत अच्छा है, एकदम क्विकली यू नो फटाफट चुटकियों में बन जाता है। एंड जो टेस्ट है एकदम ऑथेंटिक टेस्ट है जो मसाले वगैरह डाले सब कुछ। सो इसके बाद मैं आपको मैं पैन में कैसे बनाना है वो मेथड भी बताऊंगी। सो लेट्स गो एंड सी एंड ट्राई मेकिंग समथिंग एल्स। मैंने यहाँ पे दाल मखनी भी बनाई है आपको दिखाने के लिए एंड लुक एट दिस, ये इतनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है ना, मतलब एक तो सबसे पहली बात प्रॉपरली कुक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो खाने का टेस्ट अच्छा होना है तो सबसे पहले तो उसको प्रॉपरली कुक्ड होना है। अगेन इसमें बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है एंड उसका लुक फील सब कुछ आप देखो ना एकदम ऑथेंटिक है। आप जैसे ऑर्डर करते हो और रेस्टोरेंट में खाते हो या आप घर पे बनाते हो ना उसका टेक्सचर देखिए बिल्कुल वैसा ही है, थिक दाल मखनी एंड इसमें ये राजमा भी दिखाई दे रहा है बीच बीच में जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम ऑथेंटिक फील दे रहा है इसको, टेम्पटिंग हो रहा है ना, एकदम इनवाइटिंग लग रहा है ये। वाओ, अगर आप माँ के हाथ का खाना मिस कर रहे हो अब्रॉड में ये चीज आपके लिए एकदम होमली फील देगा आपको। हल्की सी क्रीमिनेस इसके अंदर आ रही है जो स्लो कुक करके जब हम दाल बनाते हैं ना ये वाली तो जैसी आती है बिल्कुल वैसी ही। एंड ऑल्सो जो स्पाइस लेवल है इट इज मीडियम स्पाइसी, मतलब
कोई भी खा सकता है आराम से। सो दो तीन चीज़ें हमने ट्राई की, सारी मीडियम स्पाइसी थी एक्सेप्ट फॉर द दाल खिचड़ी, थोड़ी सी और स्पाइसी से कम थी क्योंकि वो एकदम सिंपल बनाई। तो कभी आपका मन करता है ना कि एकदम सिंपल खाना खाना है तो तब आप दाल खिचड़ी खा सकते हो, अदरवाइज यू कैन हैव ऑल अदर वेरियंट्स। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अब्रॉड तो जहाँ पे आपको प्योर वेज फूड नहीं मिलता है, इस प्रोडक्ट रेंज में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। फ्रो फूड्स का जो इतने सारे वेरियंट्स मैंने आपको इसमें दिखाए हैं, एंड ऑल्सो इफ़ यू आर वर्किंग, और कभी कभी ऐसा होता है ना मन नहीं होता है, बहुत थक जाते हैं, फिर भी खाना तो स्पेशल चाहिए होता है और रेस्टोरेंट वाला भी नहीं चाहिए होता है, तो भी आप ये चीज़ अपने लिए बना सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे है फ्रो फूड्स का राजमा अगेन विच इज फ्रीज ड्राइड। तो चलिए पैन में देखते हैं बना के गैस स्टोव के ऊपर कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम पहले गैस को ऑन कर देंगे, फिर हम इसमें जैसे पैक पे मेंशन किया है ना वाटर का क्वांटिटी, सो पानी डाल देंगे। पानी बॉइल हो चुका है तो अब हम ये इसमें राजमा डाल देते हैं। लेट्स गिव इट अ गुड मिक्स। और अब हम इसको सिम पे रखेंगे 7 to 8 minutes कवर करके। 7 to 8 minutes हो चुके हैं और ये देखिए राजमा इतना ज्यादा बढ़िया दिख रहा है, एकदम स्टीमिंग हॉट है। चलो थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं इसको। एंड जैसे मैंने आपको बोला, हर चीज मेरे लिए तो तब अच्छी है जब मैं चेक करूं कि वो प्रॉपरली कुक्ड है या नहीं। एंड लुक एट दिस, दिस इज ऑल्सो नाइसली डन। सो थोड़ा सा इसको डिश में ले लेते हैं। और ये है पैन पे जो बनाना है उसका मेथड। गरम गरम स्टीमिंग हॉट, और मुझे तो ऐसे ही पसंद है। सो तीन तरीकों से आप इसको बना सकते हो, इलेक्ट्रिक केटल, माइक्रोवेव एंड पैन। और पर्सनली अगर आप पूछो ना तो मुझे पैन वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज स्टीमिंग हॉट आप स्टीम भी देख सकते हो, इतना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। टेस्ट की बात करूं तो अगेन मीडियम स्पाइसी, प्रॉपरली कुक्ड राजमा पूरा अंदर तक पका हुआ। यूजली हम घर में जब भिगो के भी राजमा बनाते हैं ना तो थोड़ा सा वो ना, अगर कुकर में बना रहे तो सीटी वगैरह कम लग गई तो उसको काफी टाइम लग जाता है पकने के लिए। बट यहाँ पे ये देखिए, ये रेडी टू ईट फ्रीज ड्राइड राजमा कितना ज्यादा बढ़िया बना है। सो आप इसको घर में भी एंजॉय कर सकते हो एंड घर के बाहर भी एंजॉय कर सकते हो क्योंकि एकदम इंस्टेंट बना हुआ है। फ्रो फूड्स का एक और प्रोडक्ट है, दिस इज जीरा राइस। और थोड़ा सा मुझे ना एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग डाउटफुल हो रहा है कि जीरा राइस कैसे बन सकता है, क्योंकि रेडी टू ईट में ऐसी सब चीजें देखी नहीं है। सब्जियां वगैरह तो देख लेते हैं हम लोग, बट ये देखते हैं कि कैसे ये वापस से रिहाइड्रेट होता है और बराबर बनता है कि नहीं। सो पानी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे केटल में बॉइल होने के लिए रख दिया था। सो लेट्स ट्राई दिस। तो लेट्स चेक कि जीजा राइस बन गए कि नहीं। खुशबू आ रही है जीजे वाली, बहुत ही बढ़िया। एंड लुक एट दिस, सो दिस इज ऑल्सो रेडी। एक एक चावल का दाना देखिए आपको खिला खिला दिखाई देगा एंड बिल्कुल आपको जो रेस्टोरेंट में जैसे जीजा राइस सर्व होते हैं वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। और आप अगर चाहो ना तो फ्रो फ्रूट्स के कोई से भी प्रोडक्ट्स आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हो। आपको बस उस प्रोडक्ट को इसमें ऐड करना है बोल में, एंड जितना उस पर वाटर लिखा हुआ है उतना पानी आपको उसमें डालना है एंड उसको माइक्रो कर देना है। सारे इंस्ट्रक्शंस पैक के ऊपर दिए हुए हैं और वो बिल्कुल ऐसे ही बन जाता है। थोड़ा सा मैं जो दाल मखनी बनाई थी उसके साथ में ये राइस ट्राई करके आपको बताती हूँ। वाओ, एकदम प्रॉपरली कुक, पूरा जो चावल का दाना है ना अंदर तक कुक हो चुका है, जरा भी कच्चापन इसमें नहीं है। एंड ऑफकोर्स दाल मखनी तो हमने पहले ही खा ली थी, तो जो भी कॉम्बिनेशन में आप चाहो जीरा राइस बना सकते हो। थोड़ा सा मुझे बनाने के पहले से लग रहा था कि ये जो जीरा राइस है ये पता नहीं कैसा बनेगा, बट एक्चुअली अच्छा लग रहा है। और अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा और कुक्ड आप पसंद करते हो तो आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा रख सकते हो पैक पे जो दिया है उसके हिसाब से, अदरवाइज दिस इज कम्प्लीटली फाइन। एंड आई होप आपको कुछ अलग कंटेंट देखने मिला होगा आज, और इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि सबसे अच्छी डिश आपको आज कौन सी लगी है इन सारे फ्रो फूड्स के रेडी टू ईट फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट्स में से। शेयर द वीडियो ताकि जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत हो ना, स्पेशली लाइक जो बाहर रहते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनली अलग रहते हैं अपने घर से दूर रहते हैं, या जो वर्किंग कपल्स हैं या जो घर में जिनको कभी कभी नहीं पॉसिबल होता है, सो वो उस वक्त के लिए यूज़ कर सकें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब भी कर देना और एंजॉय करो।